मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें। मेडिटेशन एक ऐसी आदत है जिसके फायदे आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिखेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप्स केवल नहीं, आपके घर पर जो रिलेशनशिप्स हैं ना, जब आप झगड़ा करते हो अपने मम्मी डैडी से, वो झगड़े कम होने लगेंगे, आप ज़्यादा शांत हो जाओगे, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ये देखो ये क्या है, ये है गोकू, ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर, एक एनिमे है जहाँ कहते हैं कि यार अगर आपको अपना खुद का पोटेंशियल बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल तक पहुँचना है, तो वो क्या करना है, मेहनत करनी है। कैसे, गोकू क्या करता था, फिजिकल एक्सरसाइज करता था, उसके साथ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करता था नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए फिट बन जाओ, ठीक है, फिटनेस की रेजीम फॉलो करो। मेंटल फिटनेस के लिए तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 10 क्विक पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर बिगिनर मेडिटेटर्स। पॉइंट 1, अपने घर में एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जगह ढूंढ लो, ठीक है, वो एक कुर्सी भी हो सकती है, वो एक बेड हो सकता है। काफ़ी सारे लोग पता है क्या करते हैं, क्रॉस लेगेड बैठते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करते हैं और बम के नीचे एक तकिए को रख देते हैं ताकि बैक आसानी से आप स्ट्रेट रख पाए। देखो मेडिटेशन में आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, केवल वो याद रखो, ओके। एक बार वो कर लिया, आप बैक रेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने दीवार के अगेंस्ट अपने बैक को बैलेंस कर सकते हैं। आप बस कंफर्टेबल रहो, क्योंकि आपको 20 मिनट तक उसी पोजिशन में बैठना है। अभी आइडियली अपने आंखों को बंद करना चाहिए, ठीक है, दैट इज टिप नंबर 2। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार एक्सरसाइज ही मेरी मेडिटेशन है, नहीं वॉक्स जब मैं जाता हूँ ना वही मेरी मेडिटेशन है। डेफिनेटली वो एक प्रकार की मेडिटेशन होती है, बट जिस प्रकार की मेडिटेशन से आपको मेंटल फिटनेस के फायदे होंगे ना, वो ट्रेडिशनल मेडिटेशन होती है। तो ट्रेडिशनल मेडिटेशन सीख लो, बेसिकली कंफर्टेबल जगह में बैठ जाओ, अपने आंखों को बंद करो और अपने हाथों को ऐसी पोजिशन में देखो, ऊपर टिल्ट किए बैठ जाओ, ओके। जब आप बैठ रहे हो तो थ्रू आउट द 20 मिनट्स, 20 मिनट तक आपको अपनी आंखों को बंद ही रखना है। पॉइंट नंबर 3, किस चीज पर फोकस करना है मेडिटेशन के दौरान। मेडिटेशन में आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है, और वो होती है वही एक चीज जिस पर आपने इनिशियली अपना फोकस डाला है। वो या तो आपकी ब्रेथ हो सकती है, यानी कि आपकी सांसें हो सकती है, या एक मंत्र हो सकता है, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो उस रिलीजन का कोई भी मंत्र जिसमें आपका दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि यार मंत्र लंबे लंबे होते हैं, पर बीज मंत्र, छोटे मंत्र भी होते हैं, एक शब्द जिसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी फील हो, जैसे कि सिखिज्म में वाहेगुरु 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 होता है, हिंदुइज्म में ओम 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 होता है, उसी प्रकार से आपके रिलीजन में भी कोई ऐसा छोटा सा मंत्र हो सकता है, उस छोटे मंत्र का जाप करते रहो, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, अगर आपको ऐसे सिंपल ऑप्शंस का फायदा नहीं उठाना है पता नहीं क्यों, तीसरी ऑप्शन ये थोड़ी डिफिकल्ट है, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइज करो कि आपके अंदर लाइट भर रही है स्लोली। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेडिटेशन को भूल जाओ, ठीक है, मेडिटेशन को साइड में रख लो, अभी मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि आपके दाएं हाथ के छोटी उंगली पर फोकस करो, पूरा का पूरा फोकस वहां डाल दो। अभी मैं कह रहा हूँ कि वहीं फोकस को अपने पैर में डाल दो। स्लोली इमेजिन करो कि आपके सर खोल के कोई आपके अंदर पानी डाल रहा है। अभी पानी मत मानो, अभी लाइट मानो उसे। जब मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो ना, एक जगह में बैठ कर बैक स्ट्रेट रखो और बस वहीं चीज़ पर फोकस करो कि आपके पूरे बॉडी के अंदर लाइट भर रही है, पूरे बॉडी के अंदर लाइट भर रही है, बस पॉजिटिव लाइट है। और यही है अगला पॉइंट, आपको हमेशा मेडिटेशन के दौरान थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट की आदत रखनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके लिए पावर का डेफिनेशन है, कोई कोई लोगों के लिए पावर का डेफिनेशन गॉड होता है, कोई कोई लोगों के लिए यूनिवर्स होता है, पॉजिटिविटी होती है, लाइट होती है, खुशी होती है, उन चीज़ों के बारे में सोचो और ये सोचो कि यार मेरे ऊपर भी एक बड़ी चीज़ है जिसे लोग खुदा कहते हैं, जिसे लोग यूनिवर्स कहते हैं, गॉड कहते हैं, हायर पावर कहते हैं, उसकी प्रेजेंस थोड़ी सी फील करो। ये थोड़ी मुश्किल पॉइंट है, बट अगर आपने ये क्रैक कर दिया ना, बहुत फायदा होंगे, ओके। फिफ्थ पॉइंट, ये सब सिंपल है, ठीक है। अभी टाइमिंग, 20 मिनट्स तक आपको बैठना ही है। पहले दिन अगर आपको केवल 15 मिनट के लिए बैठना है तो फाइन, 15 मिनट्स ऑन द फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते के लिए 15 मिनट मेडिटेशंस करो। अकॉर्डिंग टू मी अगर आपने 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक ऐसी मेडिटेशन करी तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदे होंगे आपको, आपको झट से वो मेंटल फिटनेस के फायदे दिखने लगेंगे। ये याद रखो कि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो एक ऐसे अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि यार
मैं ना ये मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ, लाइफ के लिए, एक लाइफ की आदत है। जैसे कि आप ब्रश करते हो, जैसे कि आप सुबह सुबह नहाते हो, ये एक नई आदत हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ फॉलो करो कि आई विल मेडिटेट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। हर दिन 20 मिनट तो करूँगा ही। मान लो एक बहुत ज़्यादा बिजी डे आपका, आपको टाइम ही नहीं मिला, तो पता है क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी मेडिटेट किया ना, उस मेडिटेशन की वजह से आपका दिमाग शांत हो जाएगा और फिर आप सोने जाओगे, ठीक है, आप सो लोगे। और वो नींद जो आपको मेडिटेशन के बाद आती है ना, वो बहुत ही पावरफुल नींद होती है। अगला पॉइंट, मेडिटेशन कब करना चाहिए, ये एक्चुअली आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है, बट लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर नहाकर वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन के लिए। जब आपका पेट खाली हो ना, तब, जब आपका पेट खाली होता है ना, तभी आपका फोकस आपके मेडिटेशन में आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, फोकस की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं एक चीज़ पर तो फोकस नहीं कर सकता हूँ, आपने तो कहा था कि ब्रेथ पर फोकस करो, दिमाग पर फोकस करो, पॉजिटिविटी पर फोकस करो, पर मेरा दिमाग यहाँ वहाँ भागने लगता है। यार वो नॉर्मल है, आप एक इंसान हो। मैं 5 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ, आज भी मेरा दिमाग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भागता है, पर ओवर टाइम सालों की मेडिटेशन के बाद ना थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग शांत होने लगा है। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे ना, आपको ये लगेगा कि हाँ अभी मैं सिर्फ ब्रेथ पर फोकस करूंगा, मेरे सांसों पर फोकस करूंगा, ठीक है। आप फोकस कर रहे हो, फिर आपका दिमाग दौड़ने लगता है, यूट्यूब, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, वापस लाओ, मैं ब्रेथ पर फोकस करूँगा, फिर दौड़ने लगता है, समोसे वापस लाओ, फिर दौड़ने लगता है, सचिन विराट, अरे मैं क्यों सोच रहा हूँ, वापस लाओ। जब आप वापस ला रहे हो ना अपने फोकस को, तभी ही आपका फोकस का एबिलिटी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, उस तरह से आपका मेंटल फिटनेस हो रहा है। आपका मेंटल फिटनेस और दिमाग तब वर्क होता है जब आप अपने फोकस को खींच के वो ब्रेथ पर ला रहे हो, वो मंत्र पर ला रहे हो, का फोकस तगड़ा तब होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक्निक्स होते हैं मेडिटेशन के, एक कोई सही टेक्निक नहीं होता है, हर इंसान के लिए अलग टेक्निक होता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिस टेक्निक से वो सीखे ना मेडिटेशन, वही टेक्निक बराबर है और कोई टेक्निक बाकी का बराबर नहीं है, ये सच नहीं है। 1000 मेडिटेशन के टेक्निक्स होते हैं, ये जानो पहले, ठीक है। और अगर आपको बेसिक मेडिटेशन का टेक्निक चाहिए, मैंने ये वीडियो में ऑलरेडी कह दिया है, अगर आपको एडवांस मेडिटेशन का टेक्निक चाहिए, या तो ईशा फाउंडेशन, सदगुरु जी की फाउंडेशन ज्वाइन कर लो, या तो YSS ज्वाइन कर लो, या आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लो, ये तीन है मेरे रिकमेंडेशंस। इन्हीं तीन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो अच्छे मेडिटेशन सिखाते हैं, जो एडवांस मेडिटेशन सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचना है, दैट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट, कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ओके? पर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कैसे करोगे? माय रिकमेंडेशन इज किताबें पढ़ो। यह भारतीय नागरिक होने का फायदा कि आपको नॉलेज का एक्सेस है। इस देश में रहकर ना आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीजों के बारे में कितना ज्यादा सीख सकते, मैं क्या ही बोलूं। ये एक बुक रिकमेंडेशन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक के बारे में बात करते ही रहता हूँ। मेडिटेशन के नेचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानोगे, ठीक है। सदगुरु जी के ये सब बुक्स हैं, ये पढ़ लो यार, इन सब चीज़ों से सीखो और फिर हायर मेडिटेशन में एंट्री करो, और फिर वो चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है। और फाइनल पॉइंट, एक चीज़ याद रखो प्लीज़, ये चीज़ लाइफ के लिए याद रखो, कि मेडिटेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके काम के थ्रू भी होता है, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं उसके थ्रू भी होता है, जो आपके ख्यालात होते हैं ना, जो अच्छे या बुरे ख्यालात होते हैं, उससे भी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती है, जो डिसीजंस आप लाइफ में करते हैं ना, उससे भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में पावर आ जाता है। जितना साफ आपका दिल रहेगा, उतनी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, आपकी मेडिटेशन में भी आप ज़्यादा डीप जा पाओगे अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो। तो द मेन रूल ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इज़ बीइंग अ गुड पर्सन। दिल साफ रखो, खुद स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपको मेंटल फिटनेस चाहिए और तगड़ी और तेज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मेडिटेशन करने लगो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो दे दो, शेयर तो कर लो, बट आज से ही मेडिटेशन की आदत स्टार्ट करो, सोने से पहले, ठीक है। 2 घंटे तक कुछ मत खाओ प्लीज़, और जस्ट सोने से पहले खाली पेट लेकर मेडिटेशन के लिए बैठो। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में और जानना है तो ये 2 वीडियो बनाए हमने, थोड़े
मेडिटेशन की एक्सप्लेनेशन देने के लिए। बहुत पुराने वीडियोज हैं पर देख लो, फायदे होंगे। और रणवीर अलाहाबादिया को सब्सक्राइब करो।